बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, अपने अपने घरों में अल्लाह की पनाह में रहें। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन बॉल्स विद सॉस। ये सॉस इतनी मज़े की और झटपट बनने वाली है, यकीनन आपने पहले कभी नहीं बनाई होगी। आप इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको ये सॉस और ये चिकन बॉल्स कैसे लगे। इंशाल्लाह ये बहुत मज़े के और झटपट बनने वाली डिश है। आप इसको एज ए चाय के साथ स्टार्टर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए सॉस बनाने के लिए मैंने लिया है 2 कप पानी और 3 टेबलस्पून लिए हैं सोया सॉस। ब्राउन शुगर ली है 1/2 कप। ब्राउन शुगर ही डालिएगा इसमें, वाइट शुगर नहीं जाती। ब्राउन शुगर डाल के तो फिर हम इसमें डालेंगे नमक। नमक हमने डालना है इसमें 1 टीस्पून नमक, और फिर हम इसमें डालेंगे काली मिर्चों का पाउडर। नमक डालने के बाद आप इससे ज़्यादा नमक मत डालिएगा। काली मिर्ची हम डालेंगे 1 टीस्पून। और फिर हम इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। यहाँ पे आपने कॉर्नफ्लोर डालना है, मैदा नहीं डालना। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद आप इस पानी वाले मिक्सचर को अच्छी तरह मिक्स करें और ब्राउन शुगर घुलने तक इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसको एक साइड पे हम रख देंगे। ब्राउन शुगर आपकी मिक्स होनी चाहिए। एक साइड रखने के बाद अब हम एक पैन में डालेंगे चॉप लहसुन के 4 जवे, छोटे वाले देसी मैंने लिए हैं, अगर बड़े हों तो आप 2 ले सकते हैं। उसके बाद मैं 2 डालूंगी छोटी प्याज, छोटी वाली प्याज, वो भी बारीक चॉप करके एक साइज में। और फ्रेश रेड चिली मैं डालूंगी 2 अदद। ये मीडियम साइज की थी, 2 मैंने छोटी छोटी रेड चिली फ्रेश लेके वो डाली हैं। इनको डालने के बाद हम इसमें डालेंगे ऑयल या घी। घी डालेंगे तो 1 टेबलस्पून, ऑयल डालेंगे तो 2 टेबलस्पून डालना है। इन तमाम चीज़ों को एक ही दफ़ा डालने के बाद हम इनको नीम बल्कि दम की आंच के ऊपर इसको सोटे करेंगे। इनको हल्का सा सोटे करना है, इसको ब्राउन नहीं करना प्याज और लहसुन को। जब यह हल्का सा ट्रांसपेरेंट दोनों चीज़ें हो जाएं तो फिर हमने जो कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर ब्राउन शुगर डाल के रखा था वो इसमें डाल के, तो फिर थोड़ी सी दम से थोड़ी सी ज़्यादा आंच के ऊपर इसको गाढ़ा करें और मुस्तकिल चमचा चलाएं। अगर मुस्तकिल चमचा नहीं चलाएंगे तो सॉस जो है उसमें गुठलियाँ बन जाएंगी और वो स्मूथ सॉस नहीं बनेगी, क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लोर है। वो कॉर्नफ्लोर पकेगा तो वो फिर अलग अलग गुठलियों की शक्ल में आ जाता है। मुस्तकिल चमचा चलाएँ और इसको पकाएँ। हल्का सा ये गाढ़ा होगा, ट्रांसपेरेंट ये हमारी सॉस हो जाएगी। जब ये हल्की गाढ़ी हो जाए तो फिर उतारने से पहले इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून वाइट विनेगर, यानी कि सफ़ेद सिरका 2 टेबलस्पून डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करें। एक बॉयल आए तो आग बंद कर दें। आग बंद करने के बाद फिर हम इसको निकाल के एक बाउल में ठंडा होने के लिए रख देंगे। मैं फिर आपसे कहूँगी कि आप इस सॉस को ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। अब चिकन बॉल्स बनाने के लिए लिया है मैंने 1/2 किलो बोनलेस चिकन। उसमें मैंने डालूंगी अब प्याज 1 बड़े साइज़ का, और इसमें डालेंगे लहसुन 1 टेबलस्पून, वो भी चॉप डालना है, प्याज भी चॉप करके डालिएगा। और 1 बड़े साइज़ का अंडा, 1 बड़े साइज़ के अंडे को हल्का सा बीट करें। बीट करने के बाद उसको इसमें डाल दें चिकन में, और अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर। काली मिर्चों का पाउडर ही डालना है, आपने मोटी कुटी भी नहीं डालनी। अब हम डालेंगे नमक। नमक हसब ज़रूरत मैंने 1 टेबलस्पून डाला है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। अब हम डालेंगे चिकन पाउडर, 2 टीस्पून चिकन पाउडर डालना है। और इन तमाम चीज़ों के बाद हम डालेंगे 1/2 कप मैदा। मैदा जो है वो हम 1/2 कप डालेंगे, नहीं सॉरी 1 कप मैदा डालेंगे, 1 कप मैदा डालेंगे और 1/2 कप हम डालेंगे इसमें कॉर्नफ्लोर।
कॉर्नफ्लोर भी हाफ कप डालना है, एक कप मैदा डालना है, ये मैं आपको बता रही हूँ, ये दोनों डालने हैं। और बेकिंग पाउडर डालना है 2 टीस्पून, छोटे वाले टीस्पून 2 अदद। और सोया सॉस डालनी है अब हमने 2 टेबलस्पून भरकर। और चॉप गाजरें हमने एक छोटे साइज की गाजर लेके चॉप करके, बल्कि उसको श्रेड करके मैंने डाला है, साफ करके धो करके तो वो डाला है। अगर आपके पास हरी प्याज हो तो 2 टेबलस्पून आपने हरी प्याज डालनी है, वरना आप हरा धनिया डालें। हमारे एरिया में भी हरी प्याज नहीं मिलती, इसलिए मैंने हरा धनिया डाला है। ये सब कुछ डालने के बाद इसको मैं चॉपराइज करके इसका कीमा बना लूँगी। और कीमा बनाने के बाद मैंने 1-2 बॉल बना कर ट्राई करके बॉयल पानी, जब बॉयल पानी में आ रहा हो, उबल रहा हो, तो उसमें ये बॉल्स बना के छोटे छोटे तो हमने इसमें डाला है। इसे चॉपराइज करने के बाद कीमे को मैंने हाथ ऑयल से ग्रीस किया है और छोटे छोटे कोफ्तों की शक्ल में इसके बॉल्स बनाए हैं, बिल्कुल छोटे 1 इंच के। बनाने के बाद उबलते हुए पानी में हमने इन बॉल्स को डालना है। जब हम इन बॉल्स को डालेंगे तो वो नीचे बैठ जाएंगे पैंदे में, जब ये पकेंगे तो खुद ब खुद ऊपर आ जाएंगे। इनको आपने छेड़ना नहीं, ना ही चमचा चलाना है। अगर आप चमचा चलाएंगे नीचे जब वो बैठे होंगे तो आपके बॉल्स की शक्ल ख़राब हो जाएगी। बॉयल पानी में आता होगा, आप इसमें डालेंगे बॉल्स। तमाम बॉल्स बना के मैं डाल चुकी हूँ, ये उबल रहे हैं और ऊपर आ चुके हैं। इसको स्ट्रेनर की मदद से मैं निकाल लूँगी और ये वाला जो पानी है ये मैं फेंक दूँगी। हमें बॉल्स चाहिए, वो बॉल्स मैंने रख ली। तमाम बॉल्स निकालने के बाद एक प्लेट में रखने के बाद अब हम क्या करेंगे, इनको हमने फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए हमें इनको ठंडा करने की कोई ज़रूरत नहीं, गर्म है तो गर्म ही लें। इनको थोड़ा सा फ्राई पैन में हम घी या ऑयल, जो आप खाना या अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं वो डालें। इनको हल्का गर्म करें घी को, फिर उसमें ये तमाम बॉल्स डाल दें। तमाम बॉल्स डालने के बाद इनको थोड़ी देर रेस्ट दें ताकि घी का टेम्परेचर जो ठंडा हो, इन बॉल्स डालने के बाद ठंडा हो जाता है, वो थोड़ा सा गर्म हो, फिर आप चमचा चलाइएगा। फौरन डालते हुए चमचा मत जलाइएगा, वरना आपके बॉल्स टूट भी सकते हैं। इस वजह से मैंने कहा है जब ये हल्का हल्का पकना शुरू हो जाए तो इनको हल्का गोल्डन करें। इनको शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना। जब ये हल्के सुनहरे कलर के, गोल्डन कलर के होंगे, इनके ऊपर डार्क कलर नहीं आना चाहिए, तो इन बॉल्स को आप निकाल लें। निकालने के बाद आप इसको सर्विंग प्लेट में डालें, उसमें रखें। आप इन बॉल्स को एज ए स्टार्टर या अपने टी पार्टी पे या आप शाम की चाय के साथ, खाने में, डिनर में, लंच में, जैसे चाहें फ्राई राइस के साथ आप इन बॉल्स को सर्व कर सकते हैं और खा सकते हैं। ऊपर डालें सॉस जो हमने डाली थी, और आप इसको ठंडे और गर्म दोनों तरीके से खा सकते हैं। अगर आप इनको गर्म खाएंगे तो बहुत मज़े के लगेंगे। सॉस को भी हल्का नीम गर्म रखिएगा जब सर्विंग पे, तो ये बहुत मज़े के लगेंगे। तो आपको अगर ये बॉल्स पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।